दे दूंगा तेरे पैसे, भाग नहीं जा रहा मैं। बड़े बड़े लोगों को प्रॉब्लम आती रहती है, माल्य वाले सब, इसका मतलब ये थोड़ी ना भाग जाएंगे हम लोग। मेरे मैम, हाँ घर में कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ आपको फोन। ओके हाँ यार करता हूँ। बिच्चू, दादी तुम? हाँ। मुझे तो लग रहा है तुम्हारी डेथ हो गई होगी। बिच्चू मैं आ गई हूँ, अब मैं यहीं तेरे पास रहूंगी। तो दादी मेरा पहले काम नहीं चल रहा, किसने कहा था तेरे को गांव छोड़ के यहाँ पे आने को? मैं क्यों नहीं आती तेरे पास? वहाँ गांव में तेरे दादा पीकर मुझे मारते हैं। दादी क्यों झूठ बोल रही, दादा तो पीता ही नहीं है। वो नहीं पीते, मैं तो पीती हूँ ना। मेरे पीने के बाद मारते, धो डालते मुझे। तो मारेंगे ना तेरे को, दादा की सारी दौलत तो जूब शराब में उड़ा रही है। तो माफ करना बिट्टू, तेरे दादा के पैसे से तो चकना भी ना आवे। पीती तो मैं अपने पेंशन से हूँ। कौन सी पेंशन तेरी? विधवा पेंशन। दादी तेरे को शर्म नहीं आती? दादा मेरा जिंदा और तू विधवा पेंशन ले रही है? तो क्या पेंशन लेने के लिए तेरे दादा को मार दूं मैं? अच्छा सुन, अब मैं आ गई हूँ तो जल्दी से मेरी आंखों का इलाज करा दे। क्या हुआ आंखों को? ठीक तो है, और क्या देखेगी? नहीं बहुत हल्की हल्की दिखती है। हाँ साफ 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 दिखाई नहीं देती है, और जब भी खांसती हूँ ना तो आंखें बाहर आ जाती है। कल तो इतने जोर से खांसी थी कि आंखें निकल के ब्लाउज में अटक गई। डेढ़ घंटा लग गया इसके दद्दा को ढूंढ के निकालने में। चल अभी बता दे मेरा कमरा नंबर कहाँ है, रूम नंबर। कमरा नंबर क्या, तू लीला पैलेस में नहीं आई, इधर घर में आई है, इधर जाके मर जाके। अच्छा चलती हूँ मैं। ये घर जिस घर के बुजुर्ग ऐसे, वो घर कहाँ से तरक्की करेगा? मेरा पहले नहीं काम चल रहा, ऊपर से मेरा नौकर, मेरी बीवी, इतनी अकल नहीं है। मीडिया वाले आ रहे, किसी को चाय पानी पूछ लो, हद हो गई है। रामू, ए रामू, क्यों चिल्ला रहे हो? जब देखो रामू रामू करते रहते हो। औरंगजेब की औलाद नहीं हो, कभी कोई काम खुद भी कर लिया करो। मीडिया आया, एक दो फोटो खिंचवा ले उधर मुंह करके, सारी बातें मेरे को। रामू किधर जा रहे हो? क्यों औरंगजेब की औलाद नहीं? गरीब की बच्ची को ब्याह के ले आओ बड़े घर में, अकल ही नहीं आएगी। इतना बड़ा घर दे दिया, तेरे को बातें आ रही हैं। भूखे मरते रहे तुम लोग। अच्छा। घर में पंखा तक नहीं था इनके, ट्रक के किनारे ऐसे बेड डाल के सोते थे। ट्रक आता था, हवा देके जाता था इनको सड़क पे। खबरदार मेरे खानदान के बारे में कुछ कहा तो। मेरा भाई बैंक का मैनेजर और इसका बाप पुल के नीचे बैठ के 100 रुपए में पूरे दादू का सेट लगाता है। तो तेरी माँ ने भी तो वहीं से लगवाए हैं। तुमने देखा भाई मेरा बल बैंक, बच्चों के पिकी बैंक का मैनेजर इसका। मैं बताता हूँ इसका भाई कौन से बैंक में मैनेजर। 5,000 रुपया मिला इसके भाई को, बैंक में जमा करवाया, सारी रात चौकीदार को चाय पिलाता रहा, कहता भाई सोना नहीं मेरा 5,000 जमा है। तो लाना था तुम्हारी फैमिली पे। अपने पैसों की चिंता करना कोई गलत बात है? अपने खानदान को देख लो, सब के सब चोर। गुरुद्वारे से बर्तन चोरी कर करके डिनर सेट कम्प्लीट किया है। देन व्हाट? चोरी। गाइस एक्सक्यूज मी, आप लोगों को अगर कुछ लेना आता तो किससे मांगते हो? भगवान से मांगते हो ना, तो हमने जाके डायरेक्ट ले लिया, तो क्या गलत किया? मतलब आप देख रहे हो, मतलब कितने बेशरम इंसान से मेरी शादी हुई है। फंस गई हूँ मैं तुमसे शादी करके। क्या फंस गई तुम शादी करके? क्या नहीं देता तुम्हें मैं खुशी? तुम्हें खा खुश रखते हो तुम। शादी के पहले कितने गिफ्ट देते थे, अब एक बिंदी तक नहीं लाते तुम। बिंदी ले आऊंगा, लगाएगी कहाँ, अंगूठे जैसा तेरा मुंह है। शादी की थी ना तुमने? शादी की तो सारे शादी करते हैं। कुछ काम वाम कर लिया करो। काम किया मैंने, भी मैगजीन खोला मैंने, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे यहाँ पे, उनकी इंटरव्यू करूंगा। क्या? हाँ। हे भगवान, कब कब तुम्हारे में कोई अक्ल आएगी? काम भी ऐसा शुरू कर रहे हो जहाँ घर है मेहमानों पे और खर्च करना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हो गई तेरी लाइनें, चल जा। इस घर में कोई भी आदमी ठीक नहीं, सबके सब क्रैक। वो तो आप आज लोग आए हुए हो तो हम नए कपड़े पहन के आए, ये तो हमारा कोई इतनी अच्छी कंडीशन है नहीं। मेरा नौकर, उससे मैंने 25,000 रुपया उधार लिया हुआ है। बिट्टू। हाँ।